डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में 5th चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू था, स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. द क्वेश्चन इज द कमीशन पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट टू एजेंट्स इन ब्रांच ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग अ मंथ हैज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलीज मेथड. यहाँ पर मेथड का नेम मेंशन किया है, बाउलीज मेथड से आपको सम करना है. कमीशन पेड इन 1000 रुपीज, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, and 28 to 30. And number of companies are in the form of frequency 4, 10, 16, 29, 52, 80, 32, 23, 17, and 1. The sum is 264. Now we obtain the coefficient of skewness by Bowley's method. तो आप लोगों को मालूम है कि बाउलीज मेथड के लिए सबसे पहले वो चेक करना है कि क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं. हियर द क्लासेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स व्हाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अरेंजिंग देम. नाउ डायरेक्टली वी ऑब्टेन Q1, Q3 एंड M. एंड फॉर Q1, Q3 एंड M वी ऑब्टेन ओनली वन कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF. तो 4 plus 10, 14, 14 plus 16, 30, 30 plus 29, 59, 59 plus 52, 111 plus 82, 191 plus 32, 223 plus 23, 246 plus 17, 263 plus 1, 264. This is the column of cumulative frequencies. Now Q1. So for Q1, the class of n by 4th observation, Q1 means the class of n by 4th observation, क्योंकि continuous है तो n by 4 आएगा. Now n means sum of the frequency, the class of 264 upon 4th observation equal to the class of 264 upon 4 66 observation. Now 66 C in the column of CF कहां पर आएगा, 111 में. corresponding class is 18 to 20 which is Q1 class. From the column of CF, Q1 class equal to 18 to 20. Okay, जो n by 4 की वैल्यू आ रही है 66, CF के कॉलम से आपको Q1 क्लास मिल गया. नाउ द Q1 क्लास इज अ एक्सक्लूसिव क्लास, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स. We directly find the Q1 by the formula Q1 equal to L plus N by 4 minus CF upon F into C. Put the values. L, lower boundary point of the Q1 class 18, N by 4, this value 66, CF, cumulative frequency of the preceding to the Q1 class 59, F, frequency of the Q1 class 52, and into C, class length 20 minus 18, 2.
देन 18 प्लस 66 माइनस 59 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52 देन 18 प्लस 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाय 52 0.269 मीन्स 0.27 देन सम इज 18.27 विच इज द वैल्यू ऑफ Q1 हो गया. नाउ ऑब्टेन Q3. द क्लास ऑफ 3 इंटू एन बाय 4th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द क्लास ऑफ 3. एन बाय 4 की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की हुई है 66 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द क्लास ऑफ 66 इंटू 3 198 ऑब्जर्वेशन. नाउ 198 सी इन द CF कॉलम कहां पर आएगा. 198 191 में नहीं आएगा, यहां पर 223 में आएगा. तो कोरस्पोंडिंग क्लास इज 22 to 24 विच इज द Q3 क्लास. फ्रॉम द कॉलम ऑफ CF Q3 क्लास इक्वल टू 22 to 24. दिस क्लास इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव. देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स. द फॉर्मूला ऑफ Q3 AL प्लस 3 इंटू एन बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C. L मीन्स लोअर बाउंड्री पॉइंट 22. 3 इंटू एन बाय 4 यहां पर फाइंड किया हुआ है 198. CF cumulative frequency of the preceding to the Q3 class is 191 divided by frequency of the Q3 class 32 and C class length of the Q3 class 24 minus 22 2 then 22 plus 198 minus 191 7 into 2 divided by 32 then 22 plus 14 divided by 32 0.4375 means 44 then the answer is 22.44 which is the value of Q3. Now median m equal to the class of n by 2th observation equal to the class of n means 264 divided by 2 equal to the class of 132 observation. See in the CF column 132 is included in 191. Then class median class is 22 to 22. From the column of CF M class equal to 22 to 22. Median class is exclusive. The formula of median L plus N by 2 minus CF upon F into C. L is 20, N by 2 is 132, CF preceding ki cumulative frequency 111 divided by F frequency 80 and class length is 22 minus 22.
देन 20 प्लस 132 माइनस 111 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 80 देन 20 प्लस 21 इंटू 2 42 डिवाइडेड बाय 80 0.525 मीन्स 53 देन आंसर इज 20.53 एंड नाउ बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 द फॉर्मूला बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 पुट द वैल्यूज Q3 तो 22.44 प्लस Q1 18.27 माइनस 2 इंटू एम 20.53 डिवाइडेड बाय Q3 देन 22.44 माइनस Q1 18.27 इक्वल टू 22.44 प्लस 18.27 40.71 माइनस 2 इंटू 20.53 41.06 डिवाइडेड बाय 22.44 माइनस 18.27 4.17 इक्वल टू 40.71 माइनस 41.06 द आंसर इज माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 4.17 डिवाइडेड बाय 4.17 माइनस 0.08 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे एंड हियर द आंसर इज माइनस दैट्स व्हाई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है स्टेट द टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस अगर क्वेश्चन है तो द टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव तो ये सिंपल सम ही है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन है क्लास एसेंडिंग ऑर्डर में है तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली वी ऑब्टेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देन Q1 Q3 m एंड फाइंड द बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द फॉर्मूला जे इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 तो ये 5.2 का फोर्थ सम था यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है मीन्स बाउलीज मेथड कंप्लीट हुई तो इस चैप्टर में जो दो मेथड थी कार्ल पियर्सन एंड बाउलीज दोनों कंप्लीट है ओके थैंक यू